आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको कुछ बाजू के बारे में बताऊंगी। जैसे बिगनर्स होते हैं ना, उनके सामने दिक्कत आती है कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि हम बाजू बना लेते हैं, जैसे बाजू मैंने बना ली, तो ये है ना कई बार जैसे उनको आइडिया नहीं होता, तो ये जैसे हम इसमें इसको सीलते हैं, अटैच करते हैं बाजू को, तो क्या होता है वो पूरी नहीं बैठती और हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं होता कि भई हम इसको पूरा कर दें। तो इमरजेंसी में हम एक ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये बाजू सील ली है और ये हमारी पूरी नहीं आ रही और यहाँ पे भी मार्जिन नहीं है, हमारे यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे भी मार्जिन नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी पूरा यहाँ तक आ लिया, जैसे पूरा यहाँ तक आ लिया यहाँ तक, और फिर भी हमारी बाजू पूरी नहीं आ रही, हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं है, तो हमें क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। दो ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको। एक तो थोड़ा सा यहाँ से हमें कट कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना हमें आधा एक इंच, जैसे ये यहाँ है ना, मैं अभी इसको कट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बाजू परफेक्ट बनी हुई है। बस मैं एक बार मेथड के लिए बता रही हूँ आपको कि अगर यहाँ तक आ चुकी है और आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से कट करने के बाद आपकी वो जो ये जो गोलाई होती है ये बढ़ जाती है, यहाँ से ये जो गोलाई आएगी ये आपकी ये बढ़ जाएगी, तो आपकी पूरी बाजू सेट बैठ जाएगी, आपको कपड़ा अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपकी ये बाजू नहीं आती है ना, फिर भी ये नहीं आती है, मान लो ये बाजू आपकी फिर भी नहीं आ रही ये कट करने के बाद, तो आपको क्या करना है, उस बाजू को लंबा कर लेना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं तीन तीन टिप्स दे रही हूं आपको। उस केस में आपको क्या करना है, बाजू की लेंथ बढ़ा लेनी है आपको। और वो लेंथ कैसे बढ़ाओगे आप, जैसे मान लो उसका या तो चौड़ा बॉर्डर हो बाजू का, और अगर चौड़ा बॉर्डर नहीं भी हो ना तो आप चौड़ी लेस ला के नीचे अस्तर के साथ उस लेस को अटैच करोगे, अस्तर के साथ, ना कि कपड़े के साथ, अस्तर नीचे अस्तर होगा ऊपर लेस होगी और फिर उसको आगे अटैच करोगे आप, तो ये चीज बढ़ जाएगी ना आपकी, ये चीज बढ़ेगी तो हमें ये चीज और बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हम शॉर्ट शॉर्ट बाजू जब हम कट करते हैं तो 3 साढ़े 3 लास्ट लेते हैं, लेकिन हम जब लॉन्ग बाजू कट करते हैं ना तो ये चीज हम 4.5 तक ले आते हैं, तो फिर यहां से और बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं अटैच करने का तरीका बता रही हूँ आपको, अटैच करने बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। नॉर्मली जैसे मैंने अभी ये बाजू अटैच करनी है ये वाली, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये पूरी कंप्लीट आएगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाजू अटैच करने से पहले टाइम, और वो बचेगा आपका, इससे टाइम बचत की बात कर रही हूँ। जैसे आपको ये सील लिया है, फिटिंग लगा लिया आपने, जैसे मैंने इस बार ब्लाउज की फिटिंग लगा ली है और मुझे वो अटैच करनी है बाजू, तो इसमें कितना टाइम लगता है आपको, एक तो ऐसे करके देख लेना है, इसको बराबर करना है और इसको पकड़ना है और इसको ऐसे करके देख लेना है, ऐसे करके, तो ये देखो मेरा पूरा आ रहा है ये, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये है आपका, बाजू कंप्लीट पूरी आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आपको जरा सी देर लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये भी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखना आप। जैसे हम आगे की छटाई करते हैं ना, तो ये आगे का पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर हम प्लीट्स नहीं लगाते हैं ना, ये प्लीट्स नहीं लगाते, जैसे इस ब्लाउज में तो प्लीट्स लग जाती है लेकिन सूट में नहीं लगती, तो अगर हम ये प्लीट्स ना लगाएं तो ये एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहां से पकड़ना है इसको, यहां से पकड़ के, मतलब बिल्कुल जहां पे हम तीरा जोड़ते हैं वहां से पकड़ के, और फिर हमें ये देखना है कि ये जोड़ कहाँ आ रहा है। ये जोड़ देखो मेरा तो यहाँ आ रहा है, यहाँ मतलब इस ये जोड़ से आगे जा रहा है मेरा जोड़, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कुटका लगा लेना है और यहां से बाजू अटैच करनी शुरू करनी है, यहां से, ना कि यहां से जहां से अपनी सिलाई लगी है।
तो ये क्यों आता है, ये क्योंकि हम आगे की छटाई करते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। और यहाँ से अगर हम बाजू अटैच करनी शुरू करेंगे तो हमारी बाजू की फिनिशिंग बेहतर आएगी और एकदम परफेक्ट बैठेगी वो। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, ये देखो ये बाजू मैंने सीधी करी, सीधी करी तो अब मैं इसको लगाना शुरू करूंगी। देखना आप, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। ये बाजू इधर के साइड की है क्योंकि इसका ये जो छटाई है ये आगे की तरफ आ रही है, तो ये बाजू इधर के साइड की है, ये इधर के साइड की, ठीक है। तो जब मैं इसको लगाऊंगी ना, इस बाजू को लगाऊंगी ऐसे करके, इस बाजू को अटैच करूंगी, तो ये बाजू इधर से अटैच होगी, इधर से यहां से अटैच होगी क्योंकि हम इसको अंदर करके ऐसे ले जाएंगे, तो यहां से बैक से अटैच होगी, ये बैक पार्ट में पहले अटैच होगी। तो आपको एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि एक एक बाजू, एक हाथ की बाजू तो फ्रंट से अटैच होती है इधर से, और एक हाथ की बाजू होती है बैक से अटैच पहले। अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी तो ये बैक से अटैच होगी। तो जो पहले अटैच होती है ना, जैसे मैंने इसको बैक से लगाया तो बैक में फिनिशिंग आएगी ना, इतनी फिनिशिंग आगे की तरफ नहीं आएगी। ये देखो ये जो ये मैंने बैक से लगाई तो इसमें देखो कितनी फिनिशिंग आ रखी है। दिखाती हूँ, मैंने ये ब्लाउज बनाया है, ये देखो ये जो बाजू मैंने बैक से लगाई, ये वाली, ये बाजू हमने फ्रंट से लगाई, ये बाजू फ्रंट से लगाई तो इसमें फिनिशिंग ज्यादा है ना, ये देखिए आप, इसमें फिनिशिंग ज्यादा, अगर कैमरा ठीक से कर पा रहा है तो इसमें फिनिशिंग ज्यादा है हमारी। और ये बाजू हमने फ्रंट मतलब पहले बैक में लगी फिर फ्रंट में लगी, तो इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है हमारी। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा टेलर है उसके साथ नहीं होता। ये फिनिशिंग इसमें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, इसमें कहीं कहीं सलवट सी आ रही है। ये प्रेस से ठीक हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेस से ठीक हो जाती है, लेकिन देखो बैक बैक में फिनिशिंग है, बैक में नहीं है इतना कुछ। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए आपको जैसे ये बाजू हमारी इधर के साइड लगेगी, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लगाऊंगी तो बैक से लगाऊंगी, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, पहले इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है और फिर इसका मिड निकाल लेना है, दोनों का मिड निकाल के और फिर गुटका निकाल लेना है। गुटका गुटका लगा लिया, अब हमें इसको बाहर से ही अटैच करना है थोड़ी दूर, जहां जहां हमें लगता है ना कि भाई यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है, इसको ऐसे अटैच करना है हमें, जहां पे हमें गुटका लगाया वहां पे बाजू को रखेंगे और ऐसे अटैच कर लेंगे इसको थोड़ी सी दूर में, जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें परेशानी हो सकती है, बाजू को भी और उसको भी। ये मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको, दिख रहा है तो आपको, ये बिल्कुल वैसी ही फिनिशिंग से आएगी जितनी बैक से आती है। अब हम यहां पे जोड़ पे पहुंच गए, अब हम इसको उतार लेंगे। उतार लिया तो ये बाजू हमारी इधर से अटैच होगी, देखो कोई भी इसमें सलवट नहीं आई, ये देखो कितनी बेहतरीन से लगी है, कितनी बेहतर सफाई से लगी है हमारी, ये कोई सलवट नहीं आई। अब हम इसको अंदर करेंगे, अंदर करने के बाद और फिर पूरा घुमा के लगा देंगे हम इसको। तो ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मतलब यूज तरीका थोड़ा सा गलत है इनका, लेकिन ये फिनिशिंग को, हमारी सिलाई की फिनिशिंग को बेहतर बना देती हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं ऐसी वीडियो बहुत और भी लेके आऊँगी आपको। अगर और कुछ पूछना है तो कमेंट में बताना मुझे। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।